मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, मैं हूं दिनेश दीक्षित। मुद्दा जो चर्चा में आज आ रहा है वह सीधे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है नारी शक्ति और नारी सम्मान से। कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन, जो कि दिल्ली में अभी भी आंदोलनरत हैं किसान, वहां पर सड़कों पर जुटे हुए हैं और केंद्र से अपनी मांगे मनवाने को आतुर हैं और अड़े हैं इस बात पर कि केंद्र कृषि बिल को वापस ले। लेकिन उसी किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी बेबाक और बेलगाम जुबान लेकर इस किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं और वहां के स्टेज से अपने बेलगाम बयानों को देते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता, जो कि पंजाबी और फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता भी हैं, एक बड़ा चर्चित नाम है फिल्म इंडस्ट्री में और समाज में, श्रीमान योगराज सिंह किसान आंदोलन में पहुंचते हैं और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश करते हैं किसानों के पक्ष में। लेकिन कृषि बिल पर जोर ना देते हुए वो पहुंच जाते हैं अहमद शाह अब्दाली और मुगल दौर में, और जहां से शुरुआत करते हैं वो हिंदुओं को गद्दार कहने की, और इसके अलावा भी न जाने उनके बेबाक जुबान बहुत कुछ ऐसा बोल जाती है जो कि शायद हम दोबारा दोहराने की हिम्मत ना कर पाए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने नारी सम्मान, जहां पे इस देश में नारी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, फिर चाहे वो नवरात्र हो, चाहे माई भागो हो और चाहे वो माता गुजरी हो, सभी का सम्मान हम सभी तहे दिल से और आदरपूर्वक करते हैं। उसी नारी शक्ति को उन्होंने जिस बेबाकी के साथ लज्जित किया कैमरा पर और उस किसान आंदोलन में, जहां पे भोले भाले किसान अपनी कृषि को बचाने के लिए सरकार से अपने किसी मुद्दे पर अभी अड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं, जायज मांगे, वो सरकार पूरी करे। लेकिन इसके इतर जाकर योगराज सिंह जी वहां पे अब्दाली को ले आते हैं, वहां पे हिंदुओं के गद्दार होने के कुछ ऐसे इतिहास के पन्ने खोलते हैं जो कि शायद इतिहास में ऐसे ना पढ़े गए हों, मुगलों की चर्चा करते हैं और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। योगराज सिंह के इस बेलगाम जबान को लेकर ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में इसकी काफी खिलाफत हुई, लोग भी लामबंद हुए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी और उनके जो भी नेता हैं, उन लोगों ने अलग अलग पंजाब के राज्यों में पुलिस स्टेशंस में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, पुलिस से मांग की कि उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन मुद्दा जो चर्चा में आता है वो यह आता है कि क्या योगराज सिंह जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, जो कि समाज में अपना एक मुकाम हासिल करके बैठे हैं, समाज में युवाओं में जब वो बोलते हैं तो उनकी दबंग आवाज से लगता है कि ये वो व्यक्ति है जो कि हमें एक रोल मॉडल का काम करता है। ऐसे में योगराज सिंह का इस तरह का बयान क्या वाकई निंदनीय नहीं है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਸਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ। ਇਸੀ ਬਾਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਚਰਚਾ ਮੇ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ ਜੋ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਾਂਗੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ भावनाओं में बहकर जिस तरह से मैंने कोई बयान दे डाला हिंदू महिलाओं के लिए, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या ये बात गौर करने योग्य नहीं है कि यहाँ पे जो मुखालफत की जा रही है इस बयान की, इस भाषा की जो जिस तरह की यूज की गई है हिंदू महिलाओं के प्रति, तो क्या इसका बीड़ा केवल हिंदू संगठनों ने ही उठाया है? फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हों, चाहे महिला अधिवक्ताएं हों जो कि हिंदू हों, उन्हीं की तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है, लेकिन समाज के किसी और हिस्से में इसको कोई जोर देकर बात नहीं की जा रही। किसी हिंदू महिला की बात नहीं थी, हिंदुओं के गौरव की बात नहीं थी, ये एक नारी शक्ति की बात थी, जहां पे किसी धर्म विशेष और जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है नारी के सम्मान को। नारी तो नारायणी हमारे धर्म ग्रंथों का एक सबसे बड़ा ऐसा एक नारा है जिसे हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं और इसमें यह नहीं देखते हैं कि वो किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से। बावजूद केवल कुछ लोगों ने इसके प्रति अपनी जो जाहिर कही है, जो खिलाफत करी और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में जिस तरह की कंप्लेंट्स उन्होंने दी, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा है, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अभी भी इस बात को कहने के लिए उतारू नहीं है। असी सारे इत्थे तां इकट्ठे होए आ कि मैं सिर्फ एक छोटी जी सलाह देनी है योगराज सिंह जी नूं कि योगराज जी, असी हिंदू हाँ,
हिंदू फैमिली तो बिलोंग करते हैं पर असी सरदारां दी सिखां दी भी उन्नी इज्जत करते हैं जिन्नी असी अपने धर्म की करते हैं। कदे एक शब्द असी किसी बारे माड़ा नहीं बोलिया। साडियां भैणां ने उह वी जिहड़ियां साडे नाल खड़ियां ने, तुसी क्या सोचते हो कि यह स्टेटमेंटा दे के हिंदू सिख मुसलमान इन्हां च तुसी आपस च वैर पवा लोगे? नहीं, मुस्लिम भैणां वी साडियां भैणां ने, जिहड़ियां सिख भैणां ने उह साडे नाल खड़ियां ने, असी नाल खड़े हाँ। तुसी सानू किवें कह सकते हो कि हिंदुआं दीआं कुड़ियां टके टके ते विकदियां ने? तुसी मैनूं दस सकते हो कि तुसी कित्थों खरीद के लाए ते तुसी कित्थें वेच के आए? थानू कोई हक नहीं बनता किसी कम्यूनिटी नूं गलत बोलण दा, थानू कोई राइट नहीं बनता कि तुसी हिंदू सिख ते मुसलमाना दी खेड उत्थे रैली च जाके खेडो। असी किसानां नूं माड़ा कहा, असी किसानां दे नाल खड़े हाँ, असी नहीं माड़ा कह सकते। साडे भरा ने उह लड़ रहे ने, असी उहनां दे नाल साथ देवांगे। जिहड़ी आह गल्लां करदे हो तुसी राणी लक्ष्मी बाई दी एग्जाम्पल भुल गए? ਤੁਸੀਂ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮਝਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ? ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਰਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਵਨੀਤਾ, ਆਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਆ ਜਿਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਏ ਥੇ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੇ ਲੇਕਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਜੈਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਹੁਤ काफ़ी म्यूजिक कंपोजर्स सिंगर्स ने इसकी खिलाफत की, ट्वीट वॉर चले। हम सब ने पढ़े कि ट्विटर पर जिस तरह से दलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच में एक ट्विटर वॉर छिड़ गया था इस बात को लेकर, नोटिस तक जारी हुए हैं कंगना रनौत। तो क्या योगराज सिंह के ऊपर नोटिस जारी करना नहीं बनता? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री योगराज सिंह को क्लीन चिट देकर बैठी हुई है कि उनके प्रति जो उन्होंने महिलाओं के प्रति जो असम्माननीय भाषा का प्रयोग किया, क्या बॉलीवुड में इसकी खिलाफत नहीं होनी चाहिए? क्या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की खिलाफत नहीं होनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने वो खुद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं केवल बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सी हिंदू और सभी महिलाओं के साथ मैं कहूँगा कि काम किया है, तो क्या उन महिलाओं में एक विचार नहीं उत्पन्न हुआ कि योगराज सिंह हमारे को एक्टर होने के साथ साथ हमारे पूजनीय भी थे, हमारे रिस्पेक्टेड थे, और वो हमारे प्रति किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं? क्या उन महिलाओं को आगे नहीं आना चाहिए? ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम कहीं ना कहीं सुनकर, देखकर, पढ़कर भी शायद उतना वजन नहीं देना चाहते हैं जितना उनको दिया जाना चाहिए। खैर, ये बात और है कि समाज में अपने अपने स्तर पर लोग खिलाफत भी करते हैं, अपनी अपनी विचारधारा से संबंधित होकर बयान भी देते हैं। विचार में ये बात यह है कि जब भी हम कभी बोलें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भाषा का उपयोग है एटलीस्ट वो किसी को आहत करने वाला ना हो। बने रहिए, किसी ना किसी मुद्दे पे फिर से चर्चा होगी। नमस्कार। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।